क्या हमारा गेम के अंदर स्पाइडरमैन आ चुका है? क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया है कि आप इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर कैसे स्पाइडरमैन को ले सकते हो। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम अनदर वीडियो। तो फाइनली भाई लोग, आज की वीडियो पे हम लोग फिर से आप लोगों का दिया हुआ मीट बस्टर को कंफर्म या ब्लास्ट करेंगे। तो चलिए भाई लोग देखते हैं सबसे पहला मीट पे भाई ने क्या लिखा है। RGS पे बी ऑन करो, फिर आप उस बिल्डिंग के ऊपर जाओ, उसके बाद आप मोड ऑन करो, फिर आप उस बिल्डिंग को हिला सकते हो। मतलब सचमुच क्या हम लोग बिल्डिंग को हिला पाएंगे? चलिए फटाक से भाई के मीट को ट्राई करके देखते हैं फाइनली भाई का मीट कंफर्म होता है या फिर ब्लास्ट होता है। तो भाई के मीट को ट्राई करने के लिए हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं मोबाइल, उसके बाद RGS टूल में जाके लिखते हैं भाई बी ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑन कर दिया। ओके, बिल्डिंग आ चुका है। ठीक है, अभी इसके ऊपर जाना है। अभी इसके ऊपर जाने के लिए हम लोग यूज करेंगे भाई जेट पैक। तो जेट पैक लेके हम लोग वीडियो कट करके ऊपर पहुंच चुके। अभी मोड ऑन करना है। ठीक है, मोड ऑन करने के बाद भाई बोल रहा है इस बिल्डिंग को आप हिला सकते हो। मतलब कुछ भी यार, देखते क्या होता है। ओके, अरे भाई बिल्डिंग हिल रहा है सचमुच यार। ओ भाई साहब, फाइनली यार क्या आ चुका है यार गेम के अंदर। ओ माय गॉड भाई, यहाँ पे देख सकते हो सचमुच यार बिल्डिंग को हिला पा रहा हूँ। अरे भाई पूरा जमीन के नीचे चले गया यार बिल्डिंग। गजब है भाई ये तो। मतलब ये क्या क्या लेके आ रहे हैं रोहित गमा सर, गजब है भाई। ये वाला मीट क्या पहले आप लोगों को पता था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फाइनली भाई का मीट फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए भी एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीट को। नेक्स्ट मीट तो भाई ने लिखा है, इस मीट को भाई ने बंगला में लिखा। मैं बंगला में पढ़ के आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, भाई ने लिखा है प्रथम फायर ब्रिगेड निये एयरपोर्ट गिये बॉर्डर धक्का मारो तारपर देखो मैजिक। ओके, इसको आप लोगों को हिंदी में बता देता हूँ। भाई बोला है पहले आपको फायर ब्रिगेड लेना है, उसके बाद आपको एयरपोर्ट में जाना है। एयरपोर्ट में जाके जो बॉर्डर होता है ना उस पर टक्कर मारना है, फिर हमें मैजिक देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई के मित्र को ट्राई करके देखते हैं कौन सा मैजिक हमें देखने को मिलता है। तो भाई के मित्र को ट्राई करने के लिए हम लोग सबसे पहले ले लेंगे फायर ब्रिगेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कार से उतर चुका और यहाँ पे भाई ले लेते हैं फायर ब्रिगेड। ओके, आ चुका है, अभी इसको लेके जाना है भाई एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा कट करके सीधा चले आते हैं भाई एयरपोर्ट में। तो एयरपोर्ट के सामने आ चुका, अभी टक्कर मारना है। यहाँ पे एक टक्कर मारते, लेकिन भाई यहाँ पे तो गेट है। भाई बोला ये जो बॉर्डर है ना, मतलब ये जो जाल है ना, इस पे टक्कर मारना है। ठीक है, तो अंदर से एक बार टक्कर मार के देखते भाई यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है या फिर नहीं। कुछ भी भाई बोला है मैजिक देखने को मिलेगा, अभी टक्कर मारने के बाद ही पता चलेगा क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे भाई टक्कर मारते। ओ भाई 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 भाई, ये तो पानी के अंदर, मतलब ये मैप से निकल गया, ये क्या था? फिर से एक बार ट्राई करके देखते। ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ पे फायर ब्रिगेड ले लेते और चलते भाई, इस बार दूसरी तरफ जाके हम लोग टक्कर मारेंगे। हो सकता है एक जगह काम करता है वो दूसरे जगह ना काम करे, तो यहाँ पे मैं दूसरी जगह जाके टक्कर मारूंगा और देखते है यहाँ पे कोई मैजिक दिखने को मिल रहा है या फिर नहीं। ओके, यहाँ पे मारते और फाइनली यहाँ पे भी वही सेम केस है। मतलब भाई यहाँ पे जो बोला था यहाँ पे आपको मैजिक देखने को मिला था, फाइनली यहाँ पे मैजिक देखने को मिल रहा है। मतलब भाई का मीट फुल्ली कंफर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीट को। नेक्स्ट मीट पे भाई ने लिखा है, कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पे न्यू KTM RC स्पम करोगे और उसके पास जाओगे तो उस पर बैठने का ऑप्शन नहीं आएगा। क्या भाई, बिल्डिंग के ऊपर अगर KTM मंगाते तो उस पर बैठने का ऑप्शन नहीं आएगा? मुझे लगता है ये चीज ब्लास्ट होने वाला है। चलिए फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं फाइनली भाई का मीट कंफर्म होता है या फिर ब्लास्ट होता है। तो भाई के मीट को ट्राई करने के लिए हम लोग आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर और अभी जाना है बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर लेके हम लोग आराम से भाई बिल्डिंग के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे हम लैंड करते। ओके भाई, यहाँ पे टक्कर हो गया, कोई बात नहीं। ओके, बिल्डिंग के ऊपर आ चुके। ठीक है, अभी RC KTM लेना है, जो न्यू वाला आया है 1210 आ चुका है अभी भाई इस। ओके, भाई बोला था यहाँ पे बैठने का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठ चुका हूँ, गजब है भाई। ओके, यहाँ पे देखो फिर से बैठ गया, मतलब कुछ भी। भाई बोला था RC जो KTM है उसके ऊपर आप बैठ नहीं पाओगे। अच्छा, दूसरा बिल्डिंग के ऊपर चल के देखते, क्योंकि यहाँ पे दो दो बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग वहाँ पे सामने दिख रहा है उसके ऊपर चलते। तो यहाँ पे मैं जेट पैक यूज कर रहा हूँ, जेट पैक लेके सीधा चलते इस वाले बिल्डिंग पे और यहाँ पे जाके हमें लेना है फिर से KTM RC। तो यहाँ पे मैं KTM RC ले लेता हूँ। KTM RC का 1210 आ चुका है इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे भी बैठने का ऑप्शन आ रहा है। भाई बोला था बैठने का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। मतलब भाई का मीट ब्लास्ट है, फिर भी भाई का अच्छा कोशिश था, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीट को। नेक्स्ट मीट पे भाई ने लिखा है, RGS टूल पे जाके हेली टाइप करो, फिर आप 8000 करके हेलीकॉप्टर ले लो, फिर आप ऊपर जाओ, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उस पे जाके टक्कर मारो, प्लीज टेक माय मीट। ओके भाई, फाइनली भाई बोल रहा है पहले हमें हेलीकॉप्टर लेना है, लेकिन आसमान में पहले से
से जो हेलीकॉप्टर उड़ता है उस पे जाकर टक्कर मारना, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं भाई के मित पे कौन सा जादू हमें देखने को मिलता है। तो भाई के मित को ट्राई करने के लिए हम लोग सबसे पहले भाई आरजे स्टूल में जाके लिखेंगे हेली या फिर हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे मैं मोबाइल निकाल लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा हेलीकॉप्टर पहले लेके आना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्पीड करके बहुत सारा हेलीकॉप्टर ले चुका हूँ, देख सकता हूँ। अभी एक आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो भाई बहुत ही खूबसूरत, देख रहे हो। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग खुद का हेलीकॉप्टर ले लेते हैं और इसको लेके ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऊपर जाने के बाद हमें भाई टक्कर मारना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, फिर भी कोई बात नहीं, भाई बोला है तो करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा कट करूंगा, नहीं तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, यहाँ पे चलते हैं, देख रहे हो भाई बहुत सारा हेलीकॉप्टर मैं ले चुका हूँ, यहाँ पे उड़ रहा है, मतलब फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे टक्कर होने वाला है, ओके ब्लास्ट हो चुका है, गजब है भाई। मतलब यहाँ पे जितना भी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसके साथ अगर टक्कर लगता है तो भाई वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक मैजिक तो हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे भाई के मित पे हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिला और भाई का मित फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मित को। नेक्स्ट मित पे भाई ने लिखा है, कंस्ट्रक्शन एरिया में लाइट है पर उसका लाइट नहीं जलता, प्लीज टेक माय मित। ओके भाई, चलिए चेकआउट करके देखते हैं फाइनली कंस्ट्रक्शन एरिया में जो लाइट होता है उस पे लाइट जलता है या फिर नहीं। चलिए चेकआउट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कार लेके पहुंच चुका हूं, यहाँ पे देख सकते हो भाई सामने जो लाइट है ना, ये सब लाइट यहाँ पे रखा हुआ है। अभी नाइट मोड करते हैं, ठीक है, नाइट मोड करने के बाद पता चलेगा। ओके भाई, पूरा ही अंधेरा, मतलब यहाँ पे फालतू का देके रखा है रोहित गमा सर, यहाँ पे नहीं जलता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जेट पैक लेके भी दिखाता हूँ, भाई कोई भी बिल्डिंग पे भी नहीं जलता और वहाँ पे जो वाल्व है उस पे भी नहीं जलता है। मतलब भाई का मित फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मित को। नेक्स्ट मित पे भाई ने लिखा है, अगर घोड़े पे स्टिकी बॉम्ब लगाओगे और उस पे बैठ के जैसे ही उतर जाओगे तो स्टिकी बॉम्ब तुम पे लग जाएगा और एक्टिव करोगे तो तुम नहीं मरोगे। ओके भाई, चलिए भाई के मित को ट्राई करके देखते हैं फाइनली भाई का मित कन्फर्म होता है या फिर ब्लास्ट होता है। तो भाई के मित को ट्राई करने के लिए हम लोग भाई सबसे पहले घोड़े लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो नाइट मोड बहुत ही खूबसूरत एक स्टंट। और भाई ये वाला क्यांगनिस कार है शायद, ओके भाई गजब हो चुका है, देख रहे हो। कोई बात नहीं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेमोट कर लेते हैं और डेमोट हो चुका है, घोड़ा लेके आना है, ठीक है। घोड़ा का चीट कोड क्या है भाई, 2000 शायद, ओके आ चुका है। यहाँ पे हमें भाई लगा लेना है बहुत सारा स्टिकी बॉम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ मैं, नहीं तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा स्टिकी बॉम्ब लगा चुका हूँ, अभी घोड़े के ऊपर हमें चढ़ना है। ओके नहीं चढ़ पा रहा हूँ, इस साइड से चढ़ते हैं। ओके भाई बैठ गए, बैठने के बाद हम जैसे उतरेंगे ना तो हमारे ऊपर लग जाएगा ये स्टिकी बॉम्ब, भाई यही बोला था। तो उतर जाते हैं, उतरने के बाद अरे भाई कहाँ लग रहा है, गजब है। मतलब भाई का मित तो यहाँ पे कंफर्म हो ही नहीं रहा है, देख रहे हो भाई मेरे ऊपर लग ही नहीं रहा है। मतलब भाई का मित ब्लास्ट है, फिर भी भाई का अच्छा कोशिश था, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मित को। नेक्स्ट मित पे भाई ने लिखा है, अगर आप मेगा रैम के ऊपर घोड़े और बाइक के ऊपर बैठ के फिर उतर जाओगे तो होगा मैजिक। ओके भाई, चलिए देखते कौन सा मैजिक हमें देखने को मिलता है। तो भाई के मित को ट्राई करने के लिए हम लोग भाई चलते हैं सीधा मेगा रैम के ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हो मेगा रैम के ऊपर आ चुके हैं। अभी क्या करना है, घोड़ा लेके आना और बाइक लेके आना, ठीक है। यहाँ पे घोड़ा आ चुका है, बाइक लेके आ जाते हैं, 400 वाला मेरा फेवरेट बाइक है, ये भी आ चुका है। दोनों पे बैठना है, उसके बाद उतार जाना है, फिर मैजिक होगा, भाई यही लिखा है। तो बैठ जाते हैं दोनों में। ओके यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच नहीं हो पाया, फिर से एक बार पास लगा के भाई बैठ जाते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे दोनों हो चुका है और बैठ गए। ओके यहाँ पे, ओ भाई ये बंदा नीचे क्यों चला गया, हमें उतारना है, ठीक है। उतार के देखते भाई क्या होता है। ओके उतार गए, ओ भाई ये नीचे जा रहा था, नीचे से फिर भाई ऊपर की तरफ फेंक दिया, और ये तो सीधा खत्म होगा यार। कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करके देखते। तो यहाँ पे बाइक और सब ले चुका हूँ, और जैसे यहाँ पे देखो भाई खत्म हो चुका है, फिर निकल जाते मतलब उतार जाते हैं। उतारने के बाद क्या होता है, ये देखो भाई पहले भाई नीचे की तरफ देता है फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैजिक तो बहुत खतरनाक देखने को मिला, मतलब भाई का मित फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चले भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं लास्ट एंड आखिरी मित को। आखिरी मित पे भाई ने लिखा है, आरजे स्टूल में जाके लिखो स्पाइडरमैन फिर देखो मैजिक। क्या भाई, फाइनली हमारे गेम के अंदर स्पाइडरमैन आ चुका है। चलिए फटाक से ट्राई करके देखते हैं हमारा गेम के अंदर स्पाइडरमैन आया है या फिर नहीं। सबसे पहले हमें आरजीएस टूल में जाना है, उसके बाद लिखना है भाई स्पाइडरमैन। तो यहाँ पे आरजीएस टूल में आ चुका हूँ, अभी लिखते हैं स्पाइडरमैन। ओके भाई फाइनली यार आ जाएगा क्या, अरे नहीं यार नहीं आया भाई। ओके फिर से ट्राई करें क्या, चलो फिर से ट्राई करते स्पाइडरमैन भाई लिख के भाई करते। ओके भाई इस बार भी नहीं आया, मतलब भाई का मित ब्लास्ट है। लेकिन भाई लोग अगर आप चाहते हो नेक्स्ट अपडेट में हमारा गेम के अंदर स्पाइडरमैन आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना, ताकि रोहित गमा सर को बता पाओ कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का जितना भी ऑडियंस है सभी को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। तो नेक्स्ट अपडेट में जरूर स्पाइडरमैन हमारे गेम के अंदर ऐड करवा दो। तो दबा के भाई लोग स्पाइडरमैन का नाम लिख के कमेंट जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट अपडेट में रोहित गमा सर हमारा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर स्पाइडरमैन जरूर ऐड कर दे।
थे। तो चलिए भाई लोग, आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही मिथबस्टर को कंफर्म में ब्लास्ट कर पाए। आई होप आज की मिथबस्टर वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। भाई लोग, इस तरह मिथबस्टर वाला वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि इस तरह मिथबस्टर वाला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह और एक धमाकेदार वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।